हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी, हम आ गए हैं और ये रीडिंग के लिए आए हैं, ठीक है। और हम आपको बता देते हैं कि शाम 6 बजे तक जो है 2:38 वाली रीडिंग है वो अवेलेबल है। 2:38 वाली रीडिंग यानी 2:38 रुपीज़ में 2 क्वेश्चन की रीडिंग है। तो अगर आपके 2 क्वेश्चन हैं या 4 क्वेश्चन हैं तो उसी हिसाब से, नहीं अभी तो 4 क्वेश्चन का हिसाब नहीं है क्योंकि स्लॉट्स ही नहीं है, एक ही स्लॉट बचा है। खैर, तो एक ही स्लॉट किसी एक पर्सन को ही जो है इस रीडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप जल्द से जल्द, आप कौन है वो लकी इंसान जो इस रीडिंग का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें 2:38 रुपीज़ में आपको जो है 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, और अगर आप जिसका भी सबसे पहले आ जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। और जिनकी रीडिंग्स 2 लोगों की पेंडिंग में है वो आप चिंता मत करिए, आपकी रीडिंग हो जाएगी, हैं, हम डिलीवर कर देंगे टाइमली। और जो लोग आज बुक करेंगे, यानी जिनकी 2:38 की, जिस जो लोग, मतलब क्या, एक ही तो इंसान की बुकिंग रहती है, तो जो आज बुक करेंगे उनका 48 आवर्स के अंदर डिलीवर हो जाएगा, यानी कल तक मोस्ट प्रोबेबली हम रीडिंग आपकी डिलीवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आज तो हम नहीं हो पाएंगे, घर पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो देख लीजिएगा। 2:38 रुपीज़ में 2 क्वेश्चन हमने हिसाब लगाया था, 119 रुपये का एक क्वेश्चन पड़ रहा है, 120 रुपये प्लेट चाउमीन का आता है इधर, हमारे इधर 120 रुपये प्लेट होता है चाउमीन। तो इसी हिसाब से हमने आपको बोला था ना कि 100 चाउमीन के, चाउमीन एक प्लेट चाउमीन मिलता है, उसके आधार पर हम बताइए रीडिंग दे रहे हैं। और हमारी रीडिंग आपको पता है कि एक शब्द दो शब्द की रीडिंग नहीं होती है, पूरा डिटेल होता है। और आजकल तो हम वॉइस रिकॉर्डिंग में रीडिंग देने लगे हैं, पहले हमको मेल पे टाइप करना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। तो जिन लोगों ने हमसे मेल पे रीडिंग ली है उनको पता होगा कि कितना बड़ा बड़ा हमको टाइप करना पड़ता था, हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता था, कार्ड की इमेज भी भेजते थे। इमेज तो अभी भी भेजते हैं, लेकिन हम वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, उसमें सुविधा हो जाती है, हम बोल के वो कर देते हैं। 222 देखा हमने, 222 किसी की ज़िंदगी में लगता है नया टूल आने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने देखा, आपने देखा, एक ही बात है। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील है, और हम देखते हैं कि, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने हमको हैप्पी बर्थडे विश किया है, हैं, तो हैप्पी बर्थडे आप लोगों को भी, हैं, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, हैं। और ये हम अब रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 of Wands दिखाई दिया हमें, कम्युनिकेशन, खैर काय का कम्युनिकेशन, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना हम शफल कर रहे हैं, अभी हम शफल कर रहे हैं, हमको देखने का ही नहीं है कुछ भी। तो अच्छी तरीके से शफल कर लेते हैं, वैसे भी ये कार्ड बहुत फ्लिमजी हैं, फिसलते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत स्लिपरी है ये देखिए, तो वैसा लाइट सीयर्स की तरह नहीं है कि बहुत थोड़ा चिपक जाए, ये बिल्कुल ऐसे धराशाही हो जाएगा अगर ज़रा सा इसको, ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, इतना इतना ऐसे, ये देखिए कितना मुलायम है, फिसल फिसल वाला कार्ड है। तो अब हम रीडिंग लेने के लिए, यानी अब हम कार्ड्स लेने के लिए तैयार हैं, तो आई होप आप लोग देखते हैं क्या आ रहा है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की आवश्यकता नहीं है, हैं, और जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, रैंडम रीडिंग आपका फेवरेट टॉपिक। तो पहला कार्ड हमको, मतलब कभी कभी ना, मतलब बहुत हैरानी होती है, ये रहा डेक पूरा। और एट ऑफ सोर्ड्स स्टक, अगर आप कहीं पर थे किसी चीज़ को लेके, किसी की तरफ से एक कम्युनिकेशन, 8 of Wands का कार्ड है, स्पीडी, बहुत स्पीड में किसी का ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे एक्सप्रेस ऑफ थॉट्स,
कोई अपने थॉट्स, कोई अपने विचार प्रकट करने के लिए किसी की एनर्जी जा रही हैं एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और ये यहाँ पे एकदम बिजली कड़कती हुई, ये जो किसी का एक्सप्रेशन होगा आपके लिए या जैसा भी है, मतलब कार्ड्स आपस में बहुत टकरा रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन के मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, अपने आप से लड़ झगड़ के, अपने आप को मना मुनू के कोई जैसे आपके साथ किसी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के लिए रीच आउट करने चाहते हैं, किसी की एनर्जीज हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स बोला था ना हमने अभी, आज ही हमारा इतना इंट्यूशन कैसे काम कर रहा है, मतलब इतना हमारा सब कुछ ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है आज के दिन। और ये दोनों देखेंगे आप, एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद एट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत लंबे टाइम से आप इस चीज़ में, बहुत लंबे टाइम से आप स्टक रहे हैं, ये वो सिचुएशन है जिसका आज 24 आवर्स के अंदर या 72 आवर्स के अंदर, अरे आज फ्राइडे है ना, वो आज तो फ्राइडे है, हमने तो आपको बोला था ना कि फ्राइडे को कुछ होने वाला है, हमारे जन्मदिन के दिन आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अरे अगर कुछ हुआ भी, अगर कुछ अच्छा हुआ ना, तो हम बहुत अपने आप को खुश नसीब मानेंगे, मालूम क्यों, क्योंकि हमको लगेगा कि कि हम अमर हो गए हैं, हमारा जन्मदिन अमर हो गया है, और मतलब हमारा जन्म सफल हो गया है। अरे वाह यार। और ये देखिए एट ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ में स्टक रहे हैं कहीं ना कहीं, एट ऑफ, हम इमोशनल हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये कैमरा किधर से उधर होता है, कोई बात नहीं छोड़िए। हाँ तुम कह रहे थे कि हमारा जन्मदिन अमर हो जाएगा, हमको बड़ी खुशी होगी आने वाले जन्मदिनों में कि हमारे जन्मदिन के दिन किसी का कुछ अच्छा भी होता है। आगे देखते हैं, हमारी मम्मी को अगर पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। एक मिनट जी, तुम आ गए हैं, पॉज किया था हमने वीडियो को, हम कह रहे थे कि हमारी मम्मी को अगर पता चल गया तो उनको बहुत दुख होगा, कहेंगे ऐसा, ऐसी कौन सी तकलीफ है तुम्हें कि तुम अपने जन्मदिन के दिन इतना। कार्ड्स बहुत टकरा रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, ये थोड़ी देर पहले भी हमको शफल के दौरान को दिखाई दिया था, ये हरे वस्त्रों का यही प्राणी दिखाई दिया था और ये आ ही गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब किसी ने ना बहुत अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल किया है, हमने आपको शुरुआत में बोला था कि ये कोई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन नहीं है, किसी के विचारों का प्रकट हो रहा है, एक्सप्रेशंस किसी के वापस बाहर आ रहे हैं, समबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस समथिंग। और ये मतलब लगातार इस पर्सन ने अपने दिल में बहुत सारी बातों को एकदम दबा के ये पर्सन बैठे थे, बहुत वर्गो और कैप्रिकॉन ये पर्सन हो सकते हैं, मतलब अर्थ साइन में हमको स्पेशली वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जीज लग रही हैं। आगे देखते हैं, फायर साइन के भी हो सकते हैं, सूट्स सारे ही कार्ड्स आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखा कितना कंट्रोल किया है ये पर्टिकुलर प्राणी कौन है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, कोई किसी को जानते हैं ऐसा कोई प्राणी जिसके मन में काफ़ी लंबे टाइम से किसी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया है, भावनाओं का पूरा जो गुबार है ना वो फूटने वाला है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी बरसात हो रही है, और अगर आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं अगर आपके एरिया में बरसात हो रही है इस दौरान पे, या फिर मेघला मेघला हुआ है, मेघला मेघला मतलब हम बंगाली में बोलते हैं मेघला मेघला, मतलब अगर बारिश वाला मौसम हो रहा है, और अगर बारिश हो रही है या बारिश वाला मौसम हो रहा है तो समझ लीजिए ये आपकी रीडिंग है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, हमारे भारत देश से या हमारे भारत देश से बाहर के भी कहीं से हैं तो भी, अगर आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर अगर बारिश वाला मौसम हो रहा है या बारिश हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। यू कैन एक्सपेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ समवन, यू कैन एक्सपेक्ट समवन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स एंड व्यूज़। सारे एट के कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, एट ऑफ कप्स भी आया गया है, लेकिन इस दौरान पे आप, हमारे ख्याल से आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं,
आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया है इस सिचुएशन में, हमको आपकी तरफ से कोई भी मन में होप नहीं दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल निराशावादी हो गए हैं, आप आशा, आपके मन में आशा है ही नहीं, आपने ये सोच लिया है कि डिटैच रहने में ही बेहतरी है, और वही है कि लाइफ लेसन्स आपने लिए हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में चीज़ें रिपीट ना हो, तो अपने आप को बेसिकली आप किसी और को, किसी को भी छीलने देने का मौका आप नहीं देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज आप लोगों की है, ये तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। आगे देखते हैं, टू 38 वाला कोई लकी प्राणी अगर देख लीजिएगा, अगर किसी को बहुत ज़रूरत है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, ये किसी और की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, सारे नीले 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 कार्ड देखिए, यहाँ पे तो ये थोड़ा हरा है, पीछे तो नीला है पर, ठीक है, और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, और फाइव ऑफ कप्स, हमने बोला ना किसी का बहुत थ्रोट चक्रा काफ़ी, 11-11 देखा हमने कैमरे पे, बहुत लंबे टाइम से किसी ने अपने आप, अपनी भावनाओं को दबा के रखे, घुटन में कोई पर्सन घुटन में आ गया है, इतनी सफोकेशन इतनी बढ़ गई है कि अब जो वो गुबार है वो निकलने वाला है, तो ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, और लिटरली ये वो प्राणी है जो लिटरली आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं इस दौरान पे, ये कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव सिचुएशन ही हो, कोई एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि बताना है किसी को, कुछ आपको बताना है, एक्सप्रेस करना है। खैर आगे देखते हैं, कार्ड्स बहुत टकरा रहे हैं, माइंड में इनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ तो प्यार का मामला है, इमोशनल, तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि ये कोई रिश्तेदार वगैरह हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर रोमांटिक सिचुएशन ही है, लव सिचुएशन है, एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और शायद कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शायद इस पर्सन ने कभी अपनी क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, हो सकता है ऐसी एनर्जीज हो, और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि दोनों सिनेरियो में लग रहे हैं तो हम आपको दोनों ही बताएंगे, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस पर्सन का, ये पर्सन खुद ब्लॉक नहीं है, कहने का मतलब है कि दोनों सिनेरियो है, ये पर्सन खुद से आपको शायद कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे, बहुत लंबे टाइम तक अपनी भावनाओं को दबा के रखा होगा, अब और अगर आप इनसे कांटेक्ट में हैं भी तो कभी कभार ऑन एंड ऑफ रहता होगा, मतलब हो गया महीने में, दो महीने में एक आध बार बात होती होगी आप लोगों की, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी अगर है तो भी हमने आपको सिनेरियो बता दिया है कि अगर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है तो भी ये कोई एक पर्टिकुलर प्राणी है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इनका कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है जिसमें ये अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को अभी फ़िलहाल की एनर्जीज आप लोगों की ऐसी है कि आप दिलचस्प नहीं हैं। कार्ड्स बार बार एक कार्ड्स एक टकराना, मतलब जब शफल करते हैं ना तो शफल, ये देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है शफल, हम आपको दिखा रहे हैं ना कि ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम शफल करते हैं ना, कार्ड्स इधर ही टकरा जाता है, समझ रहे, हम बोलते हैं ना कार्ड टकरा रहे हैं, टकराने का मतलब शफल के दौरान ही बार बार ऐसे इसमें ठोका पीटी होती है, तो इधर के ना ये जो एजेस होते हैं ना वो भी छिल जाते हैं, तो तब हमको लगता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, ये देखिए कितना ईजिली ऐसे शफल हो जाना चाहिए ना, इधर इधर ऐसे ऐसे टकराएगा का है, तो जब टकराता है तब हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और जब कार्ड्स ना रीडिंग के दौरान कार्ड्स कई बार ऐसे ऐसे पूरा मुड़ भी जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, तो वो भी हमको बहुत बुरा वाइब्स देता है। अभी क्योंकि कार्ड्स टकरा रहे हैं तो हमने आपको क्या बोला, हमको क्या फील आया कि इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, कुछ लोग किसी चीज़ को लेके ना इस पर्सन के ऊपर बहुत एक बर्डन और एक प्रेशर डाल रहे हैं किसी प्रकार का, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी देर अगर आपसे बात कर लेंगे ना तो ये इनको काफ़ी हीलिंग एनर्जीज मिलेगी, थोड़ा मन को शांति मिलेगा, तो ये कोई भी प्राणी हो सकते हैं आपके जीवन में, ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि देखिए
फाइव ऑफ कप्स भी आया है। कार्ड्स बहुत रिपीट हो रहे हैं। एट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एट ऑलरेडी आ चुका है, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स आ चुका है। फाइव ऑफ कप्स आ चुका है, मिस आपको करते हैं हमने बोला, और ये रहा फाइव ऑफ सोर्ड्स। बहुत कोशिश, ब्लू अगेन ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू और ग्रेश। इस पर्सन ने ना अपना बहुत ही, आप लोगों को ना एक मिक्स्ड पर्सनैलिटी दिखाया होगा। ग्रेश आपको ना इनका ना वाइट साइड दिखा होगा कि भाई प्योरेस्ट फॉर्म में है, ना इनका पूरा काला ऐसा काला साइड दिखा होगा कि भाई ये पूरा काला प्राणी है। इस पर्सन ने आपको अपना ग्रे साइड दिखाया होगा। ग्रे मतलब जिसमें आपको ऑब्वियसली कन्फ्यूजन, यहाँ पे भी देखिए ना, ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा ग्रे ग्रे सा है, मतलब हर कार्ड में देखेंगे ना। ये भी ब्लू तो है, हमने बोला थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, बात करने में इनको दिक्कत हुई है, एक्सप्रेस नहीं कर पाई अपनी बातों को, लेकिन हर चीज़ में जो ग्रे एनर्जीज आ रही है ना, हम उसको बता रहे हैं। ये देखिए ग्रे आपको हर कार्ड में दिखाई देगा है, फाइव ऑफ कप्स में। हम आपको बोल रहे हैं बहुत, ये पर्सन, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है। पाइसिस एनर्जीज हो सकती हैं किसी की, स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस हमने इसलिए बोला कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, वाटर साइन है, और यहाँ पे एक फिश आपको दिखाई दे रहा होगा है, एक नहीं है दो फिश है, हम धंधे हो गए। ये देखिए ये एक फिश है, एक ऊपर से आ रहा है, और ये कितना खूबसूरत कार्ड है ना, कि एस ऑफ कप्स का कार्ड अच्छा है ना, इस टेक का है, अच्छा है ना, अच्छा है ना, देखिए देखिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अरे भाई बहुत इमोशंस है इस पर्सन को आपके मन आपको लेके, लेकिन इरादे हम देखना चाहेंगे, अभी भी कार्ड्स हम लेंगे हैं तो उनको पता चल जाएगा कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात कार्ड हो गए हैं, तो पार्टनर बनाते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, अरे मतलब बहुत, एक तो बहुत रोकने की कोशिश की इन्होंने अपने आप को, कि नहीं बताएंगे हम, आपकी तरफ नहीं कम्युनिकेट करेंगे, आपको लेट गो कर देंगे, आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, लेकिन नहीं रह पाए, फाइनली गिव अप कर दिया है इन्होंने। और हमने बोला ना, बहुत सारे लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस दौरान पे, एक मैनिपुलेशन की एनर्जीज है जिसमें इनको नहीं समझ में आ रहा। कुछ लोग उकसा रहे हैं, कुछ लोग इनको भड़का रहे हैं, कुछ लोग इनको समझा भी रहे हैं, मतलब आपको लेके ही ऑब्वियसली, लेकिन इनकी एनर्जीज ऐसी है कि इन्होंने ना तलवार उठा लिया है कि भाई जाओ यहाँ से, हर किसी को काट रहे हैं। इनका जो बुद्धि काम करेगा, ये अपने हिसाब से काम करेंगे, अभी इनकी एनर्जीज ऐसी है, और ये बोलकर ही मानेंगे, क्योंकि बोला ना इनका थ्रोट चक्रा ऐसा ज़बरदस्त तरीके से ओपन हुआ है कि बस पूरे मन का बहुत सारा गुबार निकालेंगे ये हैं। तो बस देखते हैं कि ये किस बारे में है, क्या है, आगे देखते हैं। ये देखिए हमको दिखाई दे गया चैरियट, ये कार्ड कितना सुंदर है ना, हैं जब आएगा तब दिखाएंगे हैं। चैरियट का कार्ड मतलब इनका आना तय है। कौन है ये प्राणी? अरे अरे अरे, कल भी आया था, लवर्स का कार्ड है। तो ये वो प्राणी है जिन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी में रखा था, ठीक है। पहले इनकी जिंदगी में कोई रहा है, ठीक है, देखा जाए तो हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी भी इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक तीसरा प्राणी मौजूद है। और ऑब्वियसली इनको इन्फ्लुएंस, हमने बोला ना शुरुआत में इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोगों का, तो ऑब्वियसली एक थर्ड पार्टी भी इनको भड़का रही है, मैनिपुलेट कर रही है या कर रहा है, या इनको समझा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने बोला ना ये करेंगे अपने मन की ही। लेकिन इन्होंने, हमने आपको बोला ना कि इन्होंने इस तरीके से तलवार उठा लिया है कि भाई इनको किसी की सुननी नहीं है, जो इनका मन करेगा ये वही करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। अभी ये अपने मन की सुनेंगे जो भी प्राणी है, पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है जैसे जस्टिस और जजमेंट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको ना एक पर्ज महसूस हुआ है, एक उत्सुकता, एक डेस्परेट वाली फीलिंग है कि आपसे बात करके ही मानेंगे इस बारी, एक पुश मिल रहा है शायद यूनिवर्स की तरफ से, होता है ना एक नज जिसको बोलते हैं हम हैं। आगे देखते हैं, इधर आप देखें तो यहाँ पर इसके पर्स, यहाँ पर तो यहाँ पर ये पर्सन देखिए कितनी खूबसूरत, इस पर्सन के पास दो
लड़कियां हैं, लेकिन ये देखिए ये देख किधर रहे हैं, ये ना इसको देख रहे ना इसको देख रहे, ये सामने कहीं और ही देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके जीवन में एक से ज़्यादा लोग हों, तो अगर तो ये पुरुष हैं तो इनके जीवन में दो महिलाएं होंगी, अगर तो ये स्त्री हैं तो इनके जीवन में दो पुरुष हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका ध्यान आपकी तरफ है। हमने बोला ना कुछ एक्सप्रेस करना है इनको। आगे देखते हैं, प्यार का मामला तो डेफिनेटली है क्योंकि एस ऑफ कप्स है। कुछ इमोशंस भरे जज्बात उमड़ के सामने आ सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे आई है, जज्बात किसी के फूटने वाले हैं, सन वाली वाइब्स आ रही है। लेकिन कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ अगर तो इनकी लाइफ में दो लोग हैं, कोई भी ये प्राणी है जिसकी भी एनर्जीज यहाँ पर आई है, तो अगर तो इनकी लाइफ में दो है, ये दोनों को त्याग कर आपके पास आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगी क्योंकि सबकी सिचुएशन तो ऐसी है नहीं, लेकिन हमें पता है आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे रीडिंग ले चुके हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहते, इस तरीके की पर्सनल बातें हम यहाँ पे वीडियो में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के नाम हमें लग रहे हैं कि जिनके जीवन में ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इन्वॉल्व है, और जो लोग बहुत परेशान हैं, तो स्पेशली माइंड में जो लोग आ रहे हैं, भगवान करे आप लोगों की ही ये रीडिंग हो, और सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो कोई बात नहीं, भगवान करे। लेकिन हमने बोला ना एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक सॉलिड फर्म फाउंडेशन के लिए ही कोई लौट रहा है आपके जीवन में, क्योंकि इस पर्सन ने हथियार उठा लिए हैं अपने ज़िंदगी से, जो भी इनको उकसा रहे थे, जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, भड़का रहे थे, सबको कट ऑफ करके ये आ रहे हैं कुछ व्यक्त करने। एटलीस्ट कम से कम आप इनसे एक जज्बाती जेस्चर, क्या बोलेंगे, जज्बाती जेस्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमोशनल जेस्चर की आप उम्मीद कर सकते हैं डेफिनेटली। तो बाकी मौका आपको देना है आपका। हाँ जी, ये लीजिए नाइट ऑफ कप्स आ गया है, तो इनका आना तो तय है, ठीक है। और ये कप लेके आ रहे हैं, अरे ये कप तो खाली है, खाली कप का क्या करेंगे हम लोग, हैं कॉफ़ी कप रीडिंग कर देंगे, नहीं उसमें भी तो प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी हमको। अरे कौन है ये जो खाली कप ही लेके आ रहा है, हैं खैर जो भी है, देखिए ये नाइट ऑफ कप्स हैं, तो हमको ये लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ कोई तो आ रहा है, मतलब ये वही, और आप इस पर्सन को जानते भी हैं, ठीक है। इस समय ये पोजीशन, ये पर्टिकुलर जो पर्सन है बहुत सही है, इनके जीवन में कुछ ख़राब नहीं चल रहा है, सिचुएशन बैलेंस्ड है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उसी बैलेंस के साथ ही आपके जीवन में आ तो रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमारे को तीन कार्ड लेने हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है। अभी तक तो इनके इरादे और इंटेंशंस काफ़ी अच्छे और दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, बाकी हु नोज, देखा कितना टकरा के हमारे कार्ड्स को बिल्कुल छील दिया, बताइए। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है इनको भी इसी तरीके से, जो है बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस जो है वो इनको कहीं ना कहीं छील रहा है, तभी ये पर्सन, ये प्राणी बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है इस समय, लेकिन जीवन में सब कुछ सही चल रहा है इनके। किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में है, सही है जीवन में, मतलब धन की बात, धन वगैरह की कोई कमी नहीं हो रही है, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है। इसी कार्ड की कमी थी, यही कार्ड हमको जो है हम जानना चाहते थे कि ये कार्ड अगर आया तो हम क्या, मतलब क्या अभी तक का मामला क्या है। ये देखो सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है, और पता नहीं इधर की एनर्जीज में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्सन स्नीकी तो है, डिसेप्टिव एनर्जीज तो सेवन ऑफ सोर्ड्स की होती है, लेकिन इस डेक में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चोरी चोरी चुपके चुपके यहाँ पे तीन लोगों को देख रहा है, और तीनों लोगों के हाथों में हथियार है, ठीक है। इसके पास भी बहुत सारे हैं, उसके बावजूद, इतने सारे हथियार होने के बावजूद ये इन तीन लोगों को देख रहा है जिनके पास एक एक सिंगल सिंगल ही तलवार है, जबकि इसके पास बहुत सारे हैं।
और ये इतना छुप छुप के देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अपना बचाव करना चाहता है कि ये तीन, और क्योंकि यहाँ पे जो ये तीन लोग हैं ये तलवार लेके ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है इसके पीछे पड़े हैं। तो हमने बोला ना कि इसको इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोगों का है इस समय, तो ये डिसेप्टिव एनर्जीज नहीं है, हाँ थोड़ा स्नीकी एनर्जीज हैं अभी भी, शायद कुछ चीज़ें खुल के ना बताएं। ये पर्सन है बहुत बहुत सीक्रेटिव, बहुत सीक्रेटिव पर्सन ये हो सकते हैं, जो अपने मन में ना बातों को दबाना बहुत अच्छी तरीके से बहुत माहिर है इस चीज़ में, इनको महारत हासिल है चीज़ों को कंट्रोल कैसे अपने अंदर भर के कैसे रखना है। भाई हमसे तो बिल्कुल नहीं होता, हम तो ओपन बुक हैं। खैर तो ये आपके जीवन का कोई एक ऐसा प्राणी जो बहुत चीज़ों को संभाल के रखना जानते हैं, बातों को नहीं बताते हैं, जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जीज एज सच हमें हम ये नहीं कहेंगे, एनर्जीज बुरी नहीं है, ठीक है, मौका देने लायक है, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं सेवन ऑफ सोर्स को देख के भी, क्योंकि अभी इस पर ये पर्सन खुद इन्होंने हथियार उठाया है और ये बच रहे हैं दूसरों से कि इनको जो है लोग इन्फ्लुएंस ना करें, उसी वजह से ये ऐसे छुप गए हैं ताकि इनको कोई इन्फ्लुएंस ही ना करें। तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने वाली एनर्जीज़ में हैं, किसी भी प्रकार के झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं और अपने मन की करना चाहते हैं, इसलिए इनकी एनर्जीज ऐसी है। एक कार्ड और आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और अगस्त का ही महीना चल रहा है, आज फ्राइडे है। हमने तो डेडलाइन दी थी आपको, लेकिन हमने आपको एक बात और याद रहे तो हमने आपको 9 दिन बोला था, याद आया आपको, उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, हमने 9 दिन भी बोल दिया था। तो 3-4 दिन तो आज फ्राइडे तक ख़त्म हो गया, लेकिन हमने फिर बोला था कि 9 दिनों के अंदर कुछ हो सकता है, तो अभी से आप 3-4 दिन और मान के चलिए अगर आज कुछ ना हुआ तो। हैं बाकी किसी की तो एनर्जीज आई हैं, किसी ना किसी की तो हमने एनर्जीज ग्रैप की हैं, कमेंट करके ही बताइएगा जब आपके जीवन में ऐसा होगा। कोई तो एक पर्टिकुलर प्राणी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं और बहुत साहस के साथ आपके जीवन में आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, अरे इतनी अय्याशी चेहरे पे, इतना नूर पहे, इस बात कितनी खुशी है, ऐसा क्या अचीव किया है इन्होंने। एट ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे ये कार्ड आया है, तो हमको लगता है कि जब ये अपनी बातें बताएंगे ना तो ये बहुत बहुत ही कंटेंट महसूस करेंगे, बहुत शांत काम एंड कंपोस्ट फील करेंगे, ऐसी एनर्जीज में आ जाएंगे, क्योंकि तब इनको ऐसा लगेगा कि फाइनली इनकी सारी जो देखिए ये कंफर्मेशन है, घंटी बजी सुनाई दिया है, समबडी इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ, कोई तो आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, लगता है हम एक मिनट, हम कोई आया है तो हम बताएंगे इसके बारे में। टू ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, कोई बिजली का मीटर चेक करने आते हैं ना, कितना खूबसूरत कार्ड है टू ऑफ कप्स। इसके नीचे के कार्ड्स हम लोग नहीं, हम नहीं देखना चाहते हैं, आपको पता है नहीं बहुत फिसलन फिसलन है, तो हम यहाँ से ये कार्ड निकाल लेते हैं और बाकी कार्ड को उल्टा करके रख देते हैं। अभी देखिए है ना ये कार्ड खूबसूरत, झोलमेट है ये आपके, ठीक है झोलमेट है। कल हमने कहीं पर ना एक ऐसी रैंडम यूट्यूब पे एक वीडियो पे देखा या पता नहीं गूगल पे कोई इमेज देखी थी जिसमें लिखा हुआ था सोलमेट्स आर ऑलवेज मेंट टू बी टुगेदर। पता नहीं, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों की हमने रीडिंग की थी, बहुत सारे मतलब हाँ 3-4 लोगों की एनर्जीज ऐसी हमने खुद रीडिंग की है जिनकी एनर्जीज में सोलमेट्स वो लोग थे, बहुत ट्रू सोलमेट्स थे, और उनकी लाइफ में हमने उनको बोला था कि दे आर गोइंग टू रिकनसाइल सून, बिल्कुल ही उलट हुआ है, वो अलग अलग जगह पे सेटल हो गए, शादी हो गई उनकी कहीं और कहीं और। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। देखिए जो है वो है, हम सच बताते हैं, हमारी हमने बोला ना कि हमने कार्ड रीड करे ज़रूरी नहीं है, मीनिंग की बात पत्थर के लिए कहीं नहीं है। तो और जो लोग रीडिंग हमसे लेते हैं बार बार लेते हैं, उनकी लाइफ में वो चीज़ें जिनकी होती है होती है, लेकिन 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में उनकी
सोलमेट के साथ जो रियूनियन था वो नहीं हुआ, कहीं और ही वो लोग सेटल हो गए और किसी और से ही उन लोगों की शादी हो गई है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। और लेकिन ये आप लोगों का, उन लोगों का बड़प्पन है कि उन लोगों ने हमको दोष नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। और जब प्राणी ही कोई स्टैंड ना ले, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना। अब इस कार्ड में आपको इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं, रिसीविंग मोड में भी है, गिविंग मोड में भी है। टू ऑफ कप्स, अरे इतनी आसान नहीं होता है सोलमेट, और किसी का सोलमेट बन जाना इतना आसान नहीं है। आजकल सोलमेट नहीं है, आजकल ज़्यादातर मामला झोलमेट के है। तो अगर तो हमने बोला ना कि टू सोलमेट्स आर मेंट टू बी, कल हमको ऐसा इमेज दिखाई दिया था, सोलमेट्स आर ऑलवेज मेंट टू बी टुगेदर, ये लिखा हुआ था। तो हमने सोचा था कि अब आकर, हमने बहुत देर तक उस चीज़ पे विचार किया, पता है काफ़ी देर तक हम उस इमेज को देखते भी रहे और हम सोचते रहे कि क्या सच में सोलमेट्स आर मेंट टू बी टुगेदर। लेकिन फिर हमारे रीडिंग करने के बावजूद, कार्ड्स में सोलमेट आने के बावजूद, ट्विन फ्लेम आने के बावजूद, वो लोग अलग काहे हो गए, तो उन लोगों की शादी काहे नहीं है, तो सोलमेट ही हैं वो लोग। उनमें से एक दो की और बताएं, एक स्टोरी हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ उनमें से ही दो लोगों का सेटल होने के बाद सेपरेशन हो गया है, मतलब रॉन्ग सोलमेट चूज़ करने के बाद। और अभी सिचुएशन बस ये है कि सेपरेशन में है, लेकिन हाँ डिवोर्स हो गया है, क्योंकि शादी कहीं और करी थी किसी ने और अपने ट्रू सोलमेट को नहीं चुना। हमको यही तो नहीं समझ में आता है कि जब मेन है कि जब आपकी फीलिंग्स है किसी को लेके, जब आप प्यार करते हैं किसी को लेके, तो या तो प्यार में पड़िए मत, हैं, या तो उनको ख्वाब दिखाइए मत, या अगर आपने उनको ख्वाब दिखाई है तो पूरे करिए। किसी को धोखा देने का क्या मतलब है? तो ये आसान नहीं होता है ना, ये आसान नहीं है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, पश्चिमी सभ्यता, ये बोलते हैं कि भाई फॉरेन उसको अपना रहे हैं, ये अपना रहे हैं, लेकिन सोच हमारी अभी भी देखा जाए ना, जैसे ही सोच सबसे निचले तौर पे जाती है ना, तब हमारी सोच एकदम नहीं नहीं तब तो बिल्कुल हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति याद आ जाती है कि नहीं हम लोग बहुत ही संस्कारी हैं, हम लोग भारतीय हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको वो नहीं करना चाहिए। जब प्यार कर रहे थे तब नहीं पता चल रहा था प्यार में पड़े थे, या किसी को प्यार में पढ़ाया था, हैं, पट्टियाँ पढ़ा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, किसी को इस्तेमाल कर रहे थे, तब ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। वो किसी का दिल छील रहे थे, तब ये चीज़ें याद नहीं रहती है। उसके बाद सडनली याद आ जाता है कि नहीं भाई, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, और तो ऐसा तुझे हो नहीं सकता है, हैं, तुम अपने रास्ते अलग कर लो, हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। उसके बाद फिर घूम फिर के 2-4 साल बाद फिर वही डिवोर्स का टंटा बजता है। उसके बाद फिर से वही वापस अपना मुंह उठा के चले आते हैं कि भाई पहले, अरे भाई पहले ही कर लेते यार, क्या इतना इतना घुमा फिरा के, इतना इतना पेचीदा करने की क्या ज़रूरत है। साफ सीधी बात है, या तो सेटल होना है तो ढंग से सेटल होइए, या फिर पूरी ज़िंदगी अकेले रहिए, क्या दिक्कत है। रहा नहीं जाता अकेले, रहा नहीं जाता है, हैं। टू ऑफ कप्स, सोलमेट है ही आपके, जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, ठीक है। एक भी मेजर अरकाना नहीं आया ना, आया था मेजर अरकाना, एक भी लवर्स आया था ना, जेमिनाई और स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, तो लियो, तो जेमिनाई लियो हमको बहुत स्ट्रांग दिखाई दिए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग थे, और कैप्रिकॉर्न और वर्गो। बाकी साइन पे इतना फोकस मत कीजिए, साइंस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये है टू ऑफ कप्स का कार्ड, लवर्स भी आया था, डेफिनेटली आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका इनके साथ है, ठीक है। कोई ना कोई कर्मा तो आपका इनके साथ जुड़ा हुआ है, तभी ये वापस से आपकी लाइफ में आ रहे हो। हमको संभाव, हमने कार्ड रख दिया था ना, हमने आपको बताया था कि हम कार्ड रख रहे हैं टू ऑफ कप्स देखने के बाद। ये देखो फाइनल कार्ड 10 ऑफ कप्स है, यू आर मेंट टू बी टुगेदर भाई। अरे भाई आपका तो यहाँ पे ऐसा नन्ना मुन्ना भी आने वाला है।
हैप्पी फैमिली वाली एनर्जीज हैं, गॉड ब्लेस यू, यू आर मेंट टू बी टुगेदर, जो भी है जिसकी भी एनर्जीज हैं, गॉड ब्लेस यू, हमें और क्या ही बोलना। लेकिन हाँ, कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाला है, समवन इज़ कमिंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, क्योंकि इमोशनल बहुत इमोशंस बहुत ज़्यादा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल गुब्बारा ही फूट जाएगा, एकदम एक्सप्लोड, दिस पर्सन विल एक्सप्लोड विद योर विद देयर थॉट्स विद देयर कंपैशन टुवर्ड्स यू। सो बी जेंटल टुवर्ड्स दिस पर्सन, हम यही बोलेंगे, थोड़ा सा जेंटल हो जाइएगा, सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी शुड एटलीस्ट लिसन टू देयर साइड ऑफ स्टोरी, क्या दिक्कत है यार किसी के साथ, हम लोगों को कर्म खराब नहीं करने। उसके बाद अल्टीमेट डिसीजन आप लोगों का है, हम आप लोगों को कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि भाई इनको मौका दे दीजिए और बिल्कुल निछावर हो जाइए, ऐसा नहीं है, ठीक है। वंस अ छीलर ऑलवेज अ छीलर, आप ही लोग बोलते हैं, पहले भी जिसने छीला है तो वो बाद में भी छील सकता है, लेकिन इस पर्सन ने हमको ऐसा लगता है आपको कुछ बताया ही नहीं है कभी, क्योंकि सब कुछ दबा दबा के अंदर ही रखा हुआ, अभी वो फूटने का टाइम आया है, तो वो अब ऐसा लग रहा है हमको, ऐसी एनर्जीज हैं कि इन्होंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ग्रे साइड, इनकी ग्रे साइड दिखी है आपको, ना वाइट ना ब्लैक। एनीवेज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो। तो कंफ्यूज कर देने वाली थोड़ी सी रीडिंग है, क्योंकि ग्रे साइड है ना, तो इस पर्सन का अभी भी आपको, और हमने बोला सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो अभी भी थोड़ा सा ही अपने अंदर छुपाएंगे, तो चूज़ वाइजली, अपना थोड़ा दिमाग वगैरह थोड़ा खोल के रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, कहने का मतलब है। और वैसे भी आपकी एनर्जीज हमने देख ली थी, एट ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, आप लोग इमोशनली पूरी तरीके से डिटैच्ड हैं, तो ठीक है, आपकी एनर्जीज ठीक है, हमको चिंता नहीं है आप लोगों की ज़्यादा, आप लोग बिल्कुल ठीक है। तो बस यही है कि जो आपकी तरफ आ रहे हैं सुन लीजिएगा, और बाकी अपना बुद्धि पे ही आप वो करिएगा, दिल को हावी मत होने दीजिएगा अपने ऊपर, क्योंकि दिल ने तो हमेशा ही चू बनाया है। और कल भी आया था ना, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल ही सोचिएगा कि इसके आगे क्या पोटेंशियल है और कहाँ तक ये आगे बढ़ सकता है, सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का जिन्होंने हमको हैप्पी बर्थडे किया है, आप लोगों को भी बहुत सारा हैप्पी बर्थडे और गॉड ब्लेस यू है। तो ये रहा हमारा आशीर्वाद, और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, और दुआएँ दीजिए, दुआएँ लीजिए, हैं। तो चलते हैं हम, हैप्पी बर्थडे, और तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।